स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। दिन नया है लेकिन समस्या वही पुरानी और सबसे बड़ी, कोरोना वायरस। वायरस है जिससे इस वक्त 180 के तकरीबन मुल्क जूझ रहे हैं। समस्या एक बड़ी समस्या, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जिसने भारत में भी दस्तक दी है और इस कदर तबाही मचा दी है कि आम लोग खौफजदा हैं। इससे निकलने का विकल्प क्या है, ये अपने आप में वो सवाल किसी के जहन में है। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने तमाम वो आंकड़े लेकर जो कि आपको जानने की जरूरत है। ये आंकड़े इस तरीके से भया और इसका आप अंदाजा इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि अब तक कोरोना वायरस ने 20,000 से ज्यादा जाने ले ली हैं। 4,00,000 से ज्यादा लोग इस वक्त इस कोरोना वायरस की चपेट में हैं। वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि अगर हम अभी भी नहीं संभले तो परिस्थितियां बेहद भयावह हो जाएंगी। ये संकट है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है। चीन की शुरुआत हुई है और इसने 180 के को अपनी चपेट में ले लिया है। आप समझिए ये वक्त कितना नाजुक है सबके लिए, इस दुनिया के लिए और भारत के लिए। सबसे पहले हम आपको आंकड़े अगर दिखाएं तो चीन की बात करते हैं जिसके वुहान से इसकी शुरुआत हुई है। कुल मामले की बात कर ली जाए, ये ताजा आंकड़े हैं, याद की रखिए, ये 24 मार्च 4 बजे तक के ताजा आंकड़े हैं, वो भी आधिकारिक 26 मार्च तक के ताजा आंकड़े हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और कुल अगर मामले की बात कर ली जाए तो 81,285 केस, साथ की अगर बात कर ली जाए तो 3,287 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ठीक होने की संख्या 74,000। सिर्फ इतने ही लोग हैं जो कि इस वायरस से बच के आगे निकल पाए हैं। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो चीन कि अगर बात कर ली जाए तो जो नए मामले सामने आए हैं वो 67 है और 6 लोगों की जान जा चुकी है पिछले चौथे में। ये ताजा आंकड़ा है जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि परिस्थितियां विषम बन चुकी है। 26 मार्च शाम ये जो 4 बाजा आंकड़ा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप इसको देख लगाइए कि परिस्थितियां इस वक्त देश के सामने किस तरीके से विषम हो चुकी है। बात इटली की, 74,386 मामले हैं। अगर मौत की बात कर ली जाए पर 7503 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक, ठीक 9362 लोग, केवल इतने ही लोग हैं जो वहां पर ठीक हो पाए हैं। इटली चीन के वुहान के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई मामला है तो वो इटली से है। याद रखें यहाँ पर आप ये भी बात, इटली के मामले में दूसरा मुल्क है, तमाम फैसिलिटीज है लेकिन वहां के जो आंकड़े हैं वो भयावह है। और इससे भी इस वक्त कुछ भयावह है वो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है जो कि 5,210 है। ये उन मरीजों की संख्या है जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है इटली में। वहीं अगर नए मौतों की बात कर ली जाए 83 लोगों ने जान गंवा दी, आंकड़ा डराने वाला है। और इटली जैसे मुल्क जो कि अपने आप को बेहद छोटा पा रहा है इस खतरनाक वायरस का मुकाबला करने में, अब बात सुपर पावर कंट्री अमेरिका की, देखिए उसके आंख सोचने पर मजबूर कर देंगे। 68,573 लोगों की जान जा चुकी है अमेरिका में, 1,006 मौत हो चुकी है, 428 लोग मैच ठीक हो पाए हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, खास तौर पर उन देशों में जो कि विकसित है, जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन वहां के अगर ऐसे आंकड़े आएंगे तो आपको भी सोचना होगा, आपको भी समझना परिस्थितियां किस प्रकार से विषम बन चुकी है। देखिए 68,573 मरीज सामने आए और अगर नए आंकड़े पर आप ध्यान दें, ये 362 है, यानी कि 362 नए मरीज अमेरिका से सामने आए हैं जिनमें कोरोना की इस वक्त पुष्टि हुई है। वहीं अगर नई मौत की बात कर ली जाए, 9 मौतें हो चुकी है इस वक्त। समझिए पूरा जो विश्व है वो इस महामारी की चपेट में है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता क्या है? तमाम कंट्रीज में हमने देखा कि तमाम सख्ती बरती गई है, तमाम फैसले लिए गए हैं, लेकिन बावजूद कहीं ना कहीं इस महामारी का मुकाबला करने में हर देश इस वक्त संघर्ष कर रहा है। बात स्पेन की और आपके टीवी स्क्रीन पर स्पेन के आंकड़े भी हम आपको 49,515 अभी तक सामने आ चुके हैं। 3,647 लोगों की जान चली गई है स्पेन में इस महामारी के जद में आने से, ठीक मात्र 5,300। देखिए आंकड़े कितने कम हैं, जो लोग ठीक उनकी संख्या कितनी कम है, और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जो भयावह स्थिति पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। पिछले अगर 24 घंटे की बात कर ली जाए तो जो नए आंकड़े स्पेन से आए हैं वो आपको हैरान करेंगे, वो आपको परेशान करेंगे, वो आपको डराएंगे, क्योंकि ये आंकड़ा 6,600
73 का हो जाता है। नए मामले 6000 के तकरीबन आए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तेजी के साथ इसका संक्रमण फैल रहा है और कितनी तेजी के साथ ये लोगों में ले रहा है, अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं नई मौतों की अगर बात कर ली जाए तो पिछले 24 घंटे में 442 लोगों ने स्पेन में अपनी जान गंवा दी है। महामारी की चपेट में आने से परिस्थितियां किस तरीके से विकराल बनी हुई है, किस तरीके से भयावह बनी हुई है, अंदाजा इन तमाम आंकड़ों के जरिए आप लगाइए। अगले अगर देश की बात कर ली जाए तो वो है जर्मनी। तमाम चीजें हैं, तमाम चीज यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन जो आंकड़े हैं जर्मनी के खौफजदा करेंगे वो भी आप। कुल मामले की अगर बात कर ली जाए तो 39,003 मामले सामने आए हैं जर्मनी से। मौत का आंकड़ा 222 यहाँ पर हो जाता है, जबकि जो ठीक होने वालों की जो संख्या है वो फिर से बेहद कम 3,547 मात्र हैं जो कि उभर आ पाए हैं। समझिए लाइलाज बीमारी है, इसका कोई है नए आंकड़े के 2,134 ये नए संख्या है जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं नई मौत 16 लोगों की जान गई है बीते 24 घंटे में। ये हम आपको ताजा आए हैं, ये हम आपको 26 मार्च दोपहर 4 बजे तक का जो ताजा आधिकारिक आंकड़ा है वो आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम की अब बात करेंगे जहां पर 29,406 मरीज पाए गए हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। मौत की अगर बात कर ली जाए तो 2,234 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस कोरोना वायरस की चपेट में आने से। ठीक की अगर बात कर ली जाए ये संख्या फिर से बेहद कम हो जाती है, 10,457 लोग मात्र इतने लोग हैं जो कि उभर पाए हैं वहां पर इस महामारी से। नए आंकड़े की बात कर ली जाए 24 घंटे में 2,389 नए मरीज। नए मौतों की बात कर ली जाए तो 157 ये आंकड़ा पहुंच जाता है। और आप स्थिति को समझिए, आप ये समझिए संकट आन पड़ी है भारत के सामने, पूरी दुनिया के सामने, जिसका मुकाबला तभी संभव है जब हम और आप एकजुट होंगे। फ्रांस की बात करते हैं, आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 25,233 मामले सामने आए हैं फ्रांस से। मौत का आंकड़ा यहां पर 1,131 हो जाता है, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो फिर से बेहद कम 9 लोग हैं जो आए हैं। आप समझिए कि इस वक्त परिस्थितियां कितनी बदतर हो चुकी हैं। दिन प्रतिदिन ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। नए आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 229 केस न्यू सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। नई मौत आए तो 231 ये आंकड़ा। परिस्थितियां भयावह बनी हुई हैं उन तमाम देशों के सामने जो कि अपने आप में संपन्न है, जो कि परिपूर्ण है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हॉस्पिटल्स के लिहाज से, तमाम तरह के आए हैं। लेकिन जो इस वक्त बड़ी है इसमें वो देश छोटा पा रहे हैं। इनमें वो तमाम देश कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड का आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। केस की बात कर ली जाए तो 11,125 मामले यहां से सामने आए हैं। मौत की अगर बात कर ली जाए तो 164 लोगों की जान जा चुकी है इस महामारी आने से। ठीक होने की संख्या फिर से बेहद कम है, 131 मात्र 131 लोग हैं जो कि इससे निकल पाए हैं, जो कि बच पर अभी भी बना हुआ है। नए आंकड़े की अगर बात तो वो 2 हो जाता है, तो वही नई मौत की बात कर ली जाए तो ये संख्या 12 हो जाती है। समझिए परिस्थितियां इस वक्त कितनी भयावह बनी हुई है और कितनी तेजी के साथ ये कोरोना वायरस अपने पांव पसारता हुआ। बात यूनाइटेड किंगडम की बात कर ली जाए तो 9,529 मामले सामने आए हैं। ये वो लोग हैं जिनमें कोरोना की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। मौत की बात कर ली जाए तो 465 लोगों की जान चली गई है, तो वही ठीक की अगर बात कर ली जाए तो 135 लोग हैं जो कि निकल पाए हैं। अरे ये भी डराने वाले हैं, 1,452 लोग हैं। नई मौत की अगर बात कर ली जाए 43 लोगों की मौत हो चुकी है बीते में। ये स्थिति इतनी भयावह, आप इस बात से लगाइए कि खुद ब्रिटेन की वो इससे संक्रमित पाए गए। आप समझिए ये जो कोरोना है वो कोई दीवार नहीं जानता और ये अपनी जद में इस वक्त पूरी दुनिया को लेता हुआ, जिसके लिए बहुत जरूरी है आप सावधानी बरते। अगले देश की बात करें तो साउथ कोरिया का ग्राफ है आपकी टीवी स्क्रीन पर। 9,241 नए मामले, ये मामले हैं कुल, जिनमें से जो नया आंकड़ा हो जाता है वो 104 हो जाता है। वही अगर मौत की बात कर ली जाए तो
131 लोगों की जान जा चुकी है। जो नई मौत हुई है बीते 24 घंटे में उसकी संख्या यहाँ तो वही अगर ठीक है कि अगर बात कर ली जाए तो 4144 लोग मात्र इतने लोग हैं जो कि वहां से निकल पाए हैं। अब समझिए कि इस वक्त पूरा विश्व किस बीमारी से लड़ रहा है। ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज बड़े एक्सपर्ट्स की नहीं पता कि आखिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। नीदरलैंड का ग्राफ भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। 6412 मामले वहां पर सामने आए हैं अभी तक। मौत की अगर बात कर ली जाए तो 356 लोगों की मौत हो चुकी। ठीक होने वालों की संख्या बेहद कम है, मात्र 3। नए आंकड़े की बात कर ली जाए तो 852 नए मामले सामने आए हैं। नई मौत 80 हुई है, यानी कि लगातार जो दायरा है वो बढ़ रहा है। और ये आंकड़े आपको सीख देने वाले, ये आंकड़े आपको बताने वाले हैं कि अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए। वक्त है कि आप हिंदुस्तान को इस परिस्थितियों से उभारे, बाहर निकाले। बेल्जियम का आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर। केस की बात कर ली जाए तो 6235 ये मरीज हैं जिनमें कोरोना की अभी तक वहां पर पुष्टि हो चुकी है। मौत तो 2 आंकड़ा हो जाता है, जबकि ठीक होना फिर से बेहद कम है। 6070 मात्र लोग हैं जो कि अभी तक पाए हैं। नए आंकड़े ये भी भयावह है। 1298 न्यू मरीज जिनमें अभी तक कोरोना की पुष्टि पिछले 24 घंटे में। नई मौतें 42 लोग दी है अपनी इस कोरोना के पिछले 24 घंटे में। ये ताजा आंकड़े हैं और आप ताजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कोरोना वायरस ने जैसी तबाही मचाई है संपूर्ण विश्व में और जैसी डाल रहा है उसकी कल्पना शायद किसी ने ना की। इंडिया का ग्राफ है आपके टीवी स्क्रीन पर। केस की बात कर ली जाए तो 6001 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जबकि 42 जान गंवा दी है, जबकि ठीक होने की जो संख्या है वो बेहद कम। फिर ताजा आंकड़े की बात कर ली जाए, बीते 24 घंटे के आंकड़े की, तो ये आंकड़ा यहाँ पर 413 हो जाता है। नई मौत की अगर बात कर लिखा यहाँ पर 11 है। ये तमाम ताजे आंकड़े जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि परिस्थितियों को संभाल ले, अभी और भी आप खुद को सचेत कर ले। कनाडा की बात कर ली जाए तो 3409 मामले यहाँ पर अभी तक सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा यहाँ पर 36 हो जाता है, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो फिर से बेहद कम, 185। नए आंकड़ों की 617 न्यू पेशेंट सामने आए हैं जिनमें अभी ना कि नई मौत की अगर बात कर ली जाए तो 10 लोगों ने जान गंवाई है बीते 24 घंटे का। ये ताजा आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं जो कि नए मामले सामने आए हैं और जो नई मौतें हुई हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त समूची दुनिया किन परिस्थितियों पे आ गई है और शायद नहीं की होगी कि हम एक कोरोना वायरस एक प्रकार के भी मुकाबला करेंगे। ये कोरोना वायरस इतना ताकतवर है कि तमाम जो संपन्न देश, परिपूर्ण देश है, तमाम जो विकसित देश हैं जहाँ सुविधाएं हैं वो भी अपने आप को बेहद छोटा पाते हैं, वो भी अपने आप को बहुत बौना मानते हैं। नॉर्वे की बात कर ली जाए तो 3191 केस सामने आ चुके हैं अभी तक। 14 मौतें हो चुकी हैं, ठीक होने से बेहद कम। ताजा आंकड़े की बात कर ली जाए, बीते 24 घंटे की बात कर ली जाए तो जो नए मामले सामने आए हैं, जो नए पेशेंट सामने, उनकी संख्या यहाँ पर 107 हो जाती है। 107 लोग नए सामने आए हैं जिनकी पुष्टि हुई है। नॉर्वे का ये आंकड़ा आपको दिखा रहे हो, हर एक आंकड़ा चाहे वो किसी भी देश का हम आपको बताएं वो आपको बहुत सारी सीख देता है और आपको ये कहता है कि अभी भी स्थिति है, अभी भी वक्त है कि हम संभल जाए, वरना ऐसी विषम परिस्थिति भारत के सामने जिसकी ना हम और आप नहीं कर सकते। पुर्तगाल की बात कर ली जाए और 995 मामले पुर्तगाल आए हैं। मौत की अगर बात करें 43 लोगों की जान वहां पर जा चुकी है, मात्र 22 लोग हैं जो कि ठीक हो पाए हैं। नए आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए जो 633 ये न्यू आंकड़ा है, पेशेंट की संख्या है जो कि बीते 24 घंटे में वहां पर पाए गए हैं। नई मौत की अगर बात कर ली जाए तो ये संख्या यहाँ पर 10 हो जाती है। 10 लोगों ने अपनी जान बीते 24 घंटे। इस वायरस ने इतनी तबाही मचा दी है दुनिया भर, कल्पना शायद सोच के परे है, जिसके बारे में हम और आप नहीं सोच सकते हैं। देखिए कर ली जाए 2799 मामले और सामने आ चुके हैं। मौत की बात कर ली जाए तो 13 लोगों ने जान गंवा दी है, जबकि ठीक होने की संख्या फिर से बेहद कम, मात्र 170 लोग ठीक हो पाए हैं। नए आंकड़े की बात कर ली जाए तो 123 न्यू मामले सामने आए हैं।
दो लोगों की जान जा चुकी है बीते 24 घंटे में। हर पल एक इंसान दम तोड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि जो कोरोना वायरस है वो कितना खतरनाक है हर किसी के लिए, क्योंकि हर घंटे तकरीबन 700 लोगों की मौत हो रही है। अगर हम टोटलिटी अगर बात कर ली जाए, 1,554 नए मामले, ये मामले हैं जो अभी तक टोटल सामने आए हैं, जबकि जो न्यू मामले हैं वो 307 हो जाते हैं। जो न्यू पेशेंट्स की संख्या है वो 307 यहाँ पर हो जाता है। मौत की अगर बात कर ली जाए तो 59 जाने अभी तक जा चुकी हैं। ठीक होने वालों की संख्या फिर से बेहद कम, मात्र छह लोग हैं जो कि ठीक हो पाए हैं। और अगर बीते 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हर इंसान जिंदगी की जंग हार रहा है इस कोरोना वायरस में आने से। 180 के तकरीबन मुल्क इस महामारी का सामना कर रहे हैं, और इसमें तमाम वैसे मुल्क हैं जो कि अपने आप में तमाम सुविधाएं हैं। आप अंदाजा लगाइए कि उनके पास तमाम फैसिलिटीज हैं, हेल्थ के मामले में नंबर वन कंट्रीज हैं, लेकिन बावजूद उनके पास कोई विकल्प नहीं है इन परिस्थितियों को बदल सके, वो अपने देश को इससे उभार सके। स्वीडन का ग्राफ भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कुल अगर जाए तो वो 2026 है। इसकी संख्या है उन जिनमें कोरोना अभी तक हो चुकी है। मौत का आंकड़ा यहाँ, ठीक होने वालों की संख्या यहाँ पर महज 16 है। न्यू अगर केसेस की अगर बात कर ली जाए तो जो नए आंकड़े हैं बीते 24 घंटे के वो 227 है। नई मौत की अगर बात कर ली जाए तो ये संख्या यहाँ पर 22 हो जाती है। 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है बीते घंटे में इस कोरोना वायरस की जद में आने से। आप समझिए परिस्थितियां किस तरीके से भयावह बन चुकी हैं। और आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं। देखिए ग्लोब भी आप देख पा रहे हैं, ये ग्लोब, ये पृथ्वी, ये दुनिया के समूचे देश इस वैश्विक संकाबला कर रहे हैं, जिसमें कोई भी देश अछूता नहीं है। 180 से के तकरीबन मुल्क हैं जो कि इस वक्त इस महामारी को फेस कर रहे हैं, जो कि इस महामारी इन स्थितियों का मुकाबला कर रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं, लेकिन सफलता अभी तक किसी को हासिल नहीं। फाइल की बात कर ली जाए तो केस की अगर बात करूं तो 2,495 मामले अभी तक वहां से सामने आ चुके हैं। मौत की संख्या यहां पर 5 हो जाती है, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो यहां पर 66 है। देखिए ये आंकड़े कितने कम है उन लोगों की जो कि ठीक हो पाए हैं, जो कि निकल पाए हैं। ये बात रखे कि लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं। केसेस की अगर बात कर ली जाए तो वो यहां पर 126 हो जाता है। 24 घंटे में नई मौत इसराइल में नहीं हुई है, ये एक सुकून देने वाली खबर जरूर हो सकती है, लेकिन डर और चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि ये परिस्थितियां लगातार विषम होती हुई। टर्की की अगर बात हो 2,433 नए वहां पर टोटल मामले सामने आए हैं, जिनमें जो नए आंकड़े हैं न्यू जो केसेस हैं वो 61 यहां पर हो जाते हैं। मौत की अगर बात हो 59 जाने अभी तक जा चुकी हैं इसकी चपेट में आने से। ठीक होने वालों की संख्या फिर से बेहद कम, मात्र 26। नए केसेस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 561 नया मामला सामने आया है, जो कि बीते 24 घंटे का हम आपको बता रहे हैं। नई मौतों की बात कर ली जाए तो 15 लोगों की जान जा चुकी है बीते 24 घंटे में। मलेशिया के अगर आंकड़े की बात करें तो ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, केस यहाँ पर 31 है। मौत की अगर बात कर ली जाए तो 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि बेहद कम, महज 199 नए आंकड़े की। अगर मलेशिया की अगर बात करूं तो 235 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 3 लोगों ने बीते 24 घंटे में। समझिए परिस्थितियां किस प्रकार से भयावह हो चुकी हैं, और हर एक शख्स समूचे विश्व भर में उसने अपने अपनों को खो दिया है। ये तो मुल्क हैं जिनकी सुविधाएं हैं, लेकिन बावजूद जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है वो इससे निकलने में कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। और कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने हाथ तक खड़े कर दिए हैं। डेनमार्क की अगर बात कर ली जाए तो 1,851 केसेस है टोटल, जिनमें 34 हो जाता था, जब संख्या केवल एक है। आंकड़े की अगर बात कर ली जाए तो 127 हो जाता है। नई मौत यहाँ पर नहीं हुई है 24 घंटे में। डेनमार्क की हम बात कर, आयरलैंड की आपकी टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफ है, जहाँ पर 1,564 ये उन मरीजों की संख्या है जो कि अभी तक निकल कर सामने आए हैं। बीते अगर हम देखें बीते कई महीनों से ये जो कोरोना वायरस है उसने भयावह रूप अख्तियार किया है, और दिन प्रतिदिन इसका दायरा बढ़, मौत की संख्या आयरलैंड में 9 हो जाती है, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो यहाँ पर 5 हो जाती है।
जापान की बात करते हैं, 1307 कुल मामले अभी तक सामने आए हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। मौत की अगर बात कर ली जाए तो 55 गवा दी है, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है 101 है। देखिए संख्या कितनी कम है। उन तमाम कंट्रीज में आप देखिए कि इस वक्त परिस्थितियां किस प्रकार से बनी रहे हैं। ऐसा सरकार ने इसे गंभीर लिया, वहां पर तमाम सख्ती बरती जा रही है, लेकिन बावजूद हर एक मुल्क इस वक्त संघर्ष करता हुआ इस कोरोना वायरस से। पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो पड़ोसी मुल्क में 1106 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। मौत की अगर बात कर लूं तो 8 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो मात्र 21 है। ये तमाम देशों के सामने किस प्रकार से एक चुनौती बनी हुई है, आप इसका अंदाजा इन तमाम ग्राफ के जरिए लगा सकते हैं, लगातार दिखा रहे हैं। पोलैंड की बात कर ली जाए तो 1085 केस सामने आए हैं पोलैंड से अभी तक। मौत का जो आंकड़ा है ये है, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो यहाँ पर महज 7 है। देखिए लोग यहाँ पर कितने परेशान है, सलूशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है दुनिया के सामने इस संकट का मुकाबला करने के लिए। थाईलैंड की बात कर ली जाए तो 1045 मामले यहाँ पर कुल सामने आ चुके हैं। मौत की अगर बात कर ली जाए, मौतें हो चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की अगर संख्या की बात करें तो मात्र 88 मात्र अभी तक वहाँ पर ठीक हो पाए हैं। ये लाइलाज बीमारी है, बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास भी कोई सलूशन नहीं है। WHO स्थितियाँ किस प्रकार से भयावह हो रही है, लेकिन भारत की पहल की हरा करते हुए, क्योंकि अगर आप बाकी कंट्रीज में देखेंगे वहाँ पर तमाम सख्ती बरती जा रही है, लेकिन वहाँ के सिटीजन इसकी पालना नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भयावह मंजर तमाम मुल्कों के सामने इस वक्त पेश आ रहा है। फिनलैंड का ग्राफ भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। केस की अगर बात करूं तो 915 केसेस वहां पर आए हैं सामने, जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। मौत का आंकड़ा 3 हो जाता है, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो यहां पर महज 10 है। देखिए कितनी जो कि इससे निकल पा रहे, बड़े एक्सपर्ट्स के सामने ये सवाल है कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों ऐसी बन रही हैं और किस तरीके से इसे निपटा जाए। आगे बढ़ते हुए रोमानिया की बात करें, 906 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा आता है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो बेहद कम है, मात्र 86 आंकड़ा है, और यही जो आंकड़ा है वो समूचे विश्व को यहाँ पर डराता है। और अब बात अपने देश की, भारत की बात करते हैं। 658 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। मौत की संख्या यहाँ पर 16 हो जाती है और ठीक होने वालों की जो तादाद है वो बेहद कम। समझिए आप कि किस परिस्थिति से इस वक्त देश गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार जिक्र किया है कि आप सबको एकजुट होना होगा, आप सबको घर में रहना होगा, और इस कोरोना चेन को तोड़ सकते हैं। और उस चेन को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर में रहें। ये जिम्मेदारी हम सब की है, आपकी भी है, कि हम इस संख्या को कम करें, हम इन परिस्थितियों का मुकाबला करें, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। मानो ये युद्ध की तरह है, जिसमें कई मुल्क शामिल हैं और उनका मुकाबला एक कोरोना वायरस से है, जो कि अपने आप में बहुत ताकतवर है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सबको साथ आना होगा। सिंगापुर की अगर बात कर ली जाए तो 631 मामले सामने वहां से, मौत की संख्या यहां पर 2 हो जाती है, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है ये 160 है। देखिए ताद में कितने कम लोग हैं जो कि इससे उभर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी है। हालांकि तमाम देश की ओर से दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन सफलता किसी को हासिल नहीं हुई है। इराक की अगर बात कर ली जाए, कुल 346 मामले सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा यहाँ पर 29 हो जाता है, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो फिर से बेहद कम, मात्र 103 लोग हैं जो कि यहाँ पर ठीक हो पाए हैं। अब समझिए लाइलाज बीमारी है। और ये जो आंकड़े इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि इस वक्त आप मेरे नीचे जो आंकड़े देख पा रहे हैं, सब आंकड़े हैं ये विश्व भर का टीवी स्क्रीन पर है। ये 26 मार्च दोपहर 4 बजे तक का ताजा आंकड़ा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। के ले जाए तो 4,28,203 ये वो लोग हैं जिनमें अभी तक कोरोना की पुष्टि हुई है। विश्व भर में 22,040 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस की जद में आने से, और ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 1,17,460 है।
मात्र इतने लोग निकल पाए हैं। समझिए आप, ये वैश्विक संकट है जिससे इस वक्त समूचा विश्व लड़ रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया जिसका मुकाबला, और ऐसे में बहुत जरूर हम सब सावधानी बरते। बहुत जरूरी है कि हम सब इस बात का ख्याल रखें कि हम अपने देश का जो आंकड़ा है, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उसको कम करें। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इसका जिक्र किया है कि अगर हम 21 दिनों के लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो हम 21 साल तक पीछे चले जाएंगे। ऐसे में हम सबको उसका पालन करना होगा, हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी जाकर ये आंकड़े कम होंगे, तभी जाकर भारत इस कोरोना का मुकाबला कर पाएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे।